बीते दिन करसोग में बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के परिवहन व खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पहुंचकर अपने कर कमलों द्वारा बस अड्डे की नींव डाली। इसके बाद अपने संबोधन में मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि बस अड्डा 4 मंजिला और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ठाकुर ने आगे बताया कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन यातायात का मुख्य साधन है और प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आरामदायक परिवहन सेवा देने के लिए वचनबद्ध है। पढ़ाने का मौका मिला था और उस दिन यहाँ पर हम आए थे, पर सारा बस अड्डा और इसके आसपास सारे क्षेत्र को हमने देखा था और उस समय यहाँ पर एक ही प्रश्न किया जा रहा था कि लंबे समय से ये बात चलती आई है कि करसोग का बस अड्डा बनेगा, लेकिन जब भी जो आते हैं घोषणा करके चले जाते हैं, लेकिन इसका काम प्रारंभ नहीं हुआ। पर एक साल के भीतर भीतर आपके विधायक जी आपके समस्याओं को हमेशा सरकार के ध्यान में लाते हैं, पर आज हमने 11 जून को इस बस अड्डे का शिलान्यास किया है। लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और हमने टारगेट ये दिया है कि लगभग 1 वर्ष के भीतर भीतर ये बस अड्डा बन करके तैयार हो जाए और जिनको इस बस अड्डे का काम करना है वो अपने लेबर समेत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये आज ही से काम प्रारंभ हो करके बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा बस अड्डा बना करके हम देने वाले हैं। और दूसरी बात, जब पीछे आए थे तो हमने कहा था कि यहाँ पर HRTC की वर्कशॉप है और वर्कशॉप में जितने भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं तो वो सब बड़ी विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं और वो वर्कशॉप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसका FCA का केस देहरादून जा चुका है, FCA क्लियरेंस आएगी और बहुत जल्द हम वर्कशॉप भी आपकी बहुत अच्छी आपको बना करके देने वाले हैं। अर्थ प्रकाश के लिए मंडी करसोग से प्यारे लाल शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।